गाइस अब याद आया भाई, यही ग्राउंड था, यहाँ बहुत ज्यादा आर्मी थी भाई, यहाँ ट्रेनिंग चलती आर्मी की। जब मैं घेर लिया मैं तो भाई, पता नहीं कितनी रनिंग होती होगी भाई। भाई यहाँ से देखो हिमालय दर्शन हो रहा है भाई, दूर दिख रहे होंगे आपको या नहीं दिख रहे होंगे, बट भाई काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से। सो गाइस प्रसाद वगैरह ले लिया यहाँ पर, जहाँ हम रुके थे शिव धर्मशाला में। तो ये है प्यारा सा मंदिर भाई, रानीखेत में शिव जी का मंदिर है भाई, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू रानीखेत। तो भाई कल का स्टे लिया था हमने रानीखेत, और हमने लिया था धर्मशाला मंदिर में भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देख सकती है आरती हो रही है, और कितना प्यारा मंदिर है भाई, शिव जी का मंदिर है ये, ठीक है। रानीखेत में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भाई, जहाँ बहुत मतलब शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ये लोग बताते हैं। और ये रहे हमारे सारे भाई लोग, और टाइम हो रहा है सुबह का, टाइम हो रहा है 7:27, और अभी लगेज वगैरह हमारा सारा पैक है, अब करेंगे बाइक पर लोड और निकलते हैं यहाँ से सीधे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और हमें जाना अभी इस समय द्वारा घाट होते हुए कर्णपुरा जोशी मठ, आज हमें चोपता तक बाइक लगाना है, क्योंकि कल हम लेट हो गए थे इसलिए हम चोपता नहीं पहुँच पाए, चोपता वैसे भी नहीं पहुँच पाते, हमें कर्णपुरा या द्वारा घाट रुकना पड़ता। तो भाई मिलते हैं आपको फिर बाइक पर। सो गाइस अपनी बाइक पे लगेज वगैरह लोड कर रहे हैं, और एक्सल भाई भी एंड अनिकेत भाई भी, तो आप देखिए टाइमलेस। बस हमें मंदिर के दर्शन करना बाकी है, ठीक है, दर्शन करते हैं मंदिर के जब आते हैं। तो ये है प्यारा सा मंदिर भाई, रानीखेत में शिव जी का मंदिर है भाई, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। भाई यहाँ से देखो हिमालय दर्शन हो रहा है भाई, दूर दिख रहे होंगे आपको या नहीं दिख रहे होंगे, बट भाई काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से। और यहाँ पंडित जी हैं भाई, इतना ठंडा है ये फर्श जिसका कोई जवाब नहीं है, पैर जमने वाली ठंड हो रही है, मतलब फर्श इतना ज्यादा ठंडा है, गर्म का तो नामो निशान नहीं है। तो पंडित जी से लेते हैं प्रसाद, अब चलते हैं आओ मंदिर से। सो गाइस प्रसाद वगैरह ले लिया यहाँ पर, जहाँ हम रुके थे शिव धर्मशाला में, और यही शिव जी का मंदिर है। तो भाई अगर एक आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, अगर आप आ रहे हो रानीखेत, तो अगर आपको रूम नहीं मिल रहा है, अगर आपका बजट नहीं हो रहा है, तो आप रानीखेत आना और पूछ लेना कि शिव धर्मशाला कहाँ है, तो भाई हर कोई बता देगा। और पता है इतना सस्ते बजट में भाई 6 बंदे थे, हमें 600 रुपये देना, मतलब 100 रुपये पर बंदा, क्यों एक्सल भाई? गाइस आपको अपनी राइड बजट फ्रेंडली बनानी है ना, तो आप धर्मशाला या किसी गुरुद्वारे में स्टे ले सकते हैं भाई, क्योंकि भाई रानीखेत में होटल्स तो भाई होटल में वही होगा जो उसमें होगा, बस ये है थोड़ा उसमें फैसिलिटी ज़्यादा होंगी, बस यही है। पर हमें जो चीज़ हमें चाहिए थी हमें वो तो ईजिली मिल गई, क्यों भाई? हमें बस लाइट चाहिए थी और सोने को रजाई। ठीक ठीक, तो भाई फिर मिलते हैं आप। हो गया सब बॉम्ब, बैठना ही है अब, याद करते अपने महादेव को, हर हर महादेव, आराम से जाएं, आराम से दर्शन करें भाई। चलो भाई ऐसा समझ लो इतना प्यारा स्टे था, मैंने सोचा भी नहीं था कि धर्मशाला भी ऐसी होती हैं। बस उसमें यह है गुरुद्वारा के ज़रा आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपको खुद ही आकर जितना रजाई वगैरह होती है, गद्दे वगैरह, वो खुद लेकर आना पड़ेगा, बेडशीट एंड, और खुद ही लेकर आनी होती है, और क्या कहते हैं पहुँचा कर होनी है, और पानी वानी आपको खुद ही लेकर आना है, आपको बस वहाँ गर्म पानी नहीं मिलेगा। और हमें नहाना भी नहीं था क्योंकि यार हम लेट हो जाते नहाते तो, ठीक है। और फिर हमें एक दिन में 208 किलोमीटर कवर भी करना है। ये द्वारा है, द्वाराट, हाँ ठीक ठीक, थैंक यू। तो भाई मेरे नी हेलो गार्ड ये लगा दिए मैंने यार, कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, एक तो डबल बंदे हैं हम, ठीक है, कंफर्टेबल फील ही नहीं हो रहा था भाई। रानीखेत काफ़ी अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, ये अल्मोड़ा में लगता है, अल्मोड़ा में आता है रानीखेत, बहुत प्यारा है यार, ये अल्मोड़ा की तहसील है, कुछ कहो मज़े आ गए भाई, सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा मज़े आएंगे यार, बट मज़े आ गए यार।
यहाँ चल रही है आर्मी ट्रेनिंग द्वाराहाट, 32 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ ट्रेन चल रही है आर्मी ट्रेनिंग, भाई देख सकते हो कितनी ही भाई फोर्स है भाई, बंदे लगे हुए हैं यार आर्मी के लिए, भाई देख रहा हो ट्रेनिंग भाई, बहुत ही गंदी भाई, बहुत तगड़ी तरीके से यहाँ आर्मी का वो है कैंडो भाई सर, भाई घेर लिया मैं तो भाई, पता नहीं कितनी रनिंग होती होगी भाई, कुछ पता नहीं है मैं तो डर गया गाइस। अब याद आया भाई, यही ग्राउंड था, यहाँ बहुत ज़्यादा आर्मी थी भाई, यहाँ ट्रेनिंग चलती है आर्मी की। जब मैं पिछली साल आया था बैंड भी बज रहा था भाई, सब कुछ था यहाँ पे। और हाँ एक चीज़ और गाइस, अगर आपको यह नहीं पता, देखो पहाड़ पे मेरे हिसाब से ज़्यादा ही, अगर जैसे हल्द्वानी हो गई, नैनीताल हो गई, अल्मोड़ा हो गया, इन बड़ी सिटियों में तो भाई देखो रोज़गार होता है, बट यार जो ये रानीखेत हो गए, कौशानी हो गई, ये चीज़ें होती हैं भाई, यहाँ का हर एक घर में बंदा, हर एक घर में भाई समझो एक आर्मी से ज़रूर होगा, फिर उसका बच्चा आर्मी बनता, मतलब आर्मी में तो कंपलसरी है भाई ट्रेनिंग। यहाँ का बंदा बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, अप डाउन बताया है, हमारी तो वहाँ से लेकर यहाँ तक आने में सांस फूल गई थी, ये तो रनिंग कर रहा है, अब समझो कितना ही ज़्यादा वो होगा। और यहाँ लेपर्ड वेपर्ड बहुत ज़्यादा हैं यार द्वाराघाट। देखो कौसानी में यहाँ से गया था, 57 किलोमीटर है, अल्मोड़ा 40 किलोमीटर है। कौसानी जब मैं गया था भाई, कौसानी तो आप सभी को पता होगा, वो है उत्तराखंड का सौरभ जोशी, उसका गांव है ये। देखो कर्णप्रयाग भाई 127 किलोमीटर, बद्रीनाथ 254 किलोमीटर, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। और रास्ते में भाई हम खुद ही कुक करेंगे यार, मैं अपना सिलेंडर तो ले आया, बट यार मैं वो लेकर नहीं आया, सॉरी। जागेश्वर और बागेश्वर की रोड ऐसी ही है, पहले मैं गया था कौशानी, अब जा रहा हूँ मैं द्वाराघाट कर्णप्रयाग साइड। मेरे यहाँ पर सुन हो जाएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यार पता क्या है, थोड़ा ठंड से लड़ना भी चाहिए। अभी हाथ देखो मेरे रेड रेड हो गए हैं, अगर मैं ग्लव्स पहन लूँगा फिर मुझे ग्लव्स की आदत हो जाएगी। अब ब्रेकिंग भी ग्लव्स में नहीं हो पाती है, पहाड़ का एरिया है यार, अगर ब्रेकिंग नहीं हो पाएगी ठीक से तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। टर्न है यहाँ तो पेट्रोल ही बचाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, हमने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। सो फाइनली गाइस हम आ चुके द्वाराघाट, ये है द्वाराघाट जे वी भाई, जो सोनप्रयाग में लगता है या अल्मोड़ा में लगता है कंफर्म नहीं है, बट यार अच्छी खासी सिटी है ये। और भाई देख सकते हो ओमनी चल रही है यहाँ पे आगे हमारे, भाई रिएक्शन चेक करो यार सिटी के भाई, और सिटी अच्छी खासी है द्वाराघाट यार। ओहो आंटी भाई, ये डॉग चेक करो भाई, कौन सी बीस्ट है भाई, ये तो लोमड़ी लग रहा है, लोमड़ी। यहाँ कनेक्टिंग अच्छी चलेगी भाई, और यहाँ रुकते हैं कर्णप्रयाग जोशी मठ भी, ठीक ठीक थैंक यू भाई। ये देखो द्वाराट बहुत ही अच्छा है, बद्रीनाथ आश्रम, बद्रीनाथ 200 युक्ता आश्रम,